हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। कैसे हैं सब? आई होप क्या सब अच्छे हुए। मौसा जी के वहाँ से आने के बाद यहाँ कुछ सामान लेने गया हूँ मैं। वाइट सीमेंट और ब्लैक कलर लेने के लिए आया हूँ मैं यहाँ पर। और रोल ब्लैक कलर लिया है और वाइट सीमेंट हो गया और रोल हो गया जी। देखिए जी कितने लग रहे पैसे। ये देखिए जी, रोल ये है, सीमेंट ले लिया है और कलर ले लिया है। ये रोल जो है ना, जो मैंने पहली वाली दुकान से लिए थे 600 रुपये के, 60 रुपये का एक पीस, 10 पीस थे ना। और ये आया हूँ 45 रुपये का एक पीस, यानी 450 रुपये का। तो बराबर में दुकान है, ये देखिए 150 रुपये का अंतर। कितनी लूट चल रही है देख लो आप, 45 और 60 देख लीजिए। एक दुकान बदलने में कितना फायदा आया। अरे वही रोल है बिल्कुल जुगे, तू उनसे अलग भी नहीं आए। अभी घर आ चुका हूँ, देखिए और यहाँ पर तो अच्छा नहीं चल रहा है, इसीलिए मैंने सामान मंगाया है। जब लोग से जब वहाँ से चला फोन आ गया था मेरे पे, उनको सामान लेकर आना वाइट सीमेंट और कलर देखिए। बोल बोल रखा है, कलर बना रखा है और अंदर क्या चल रहा है दिखा दें आपको। ये देखिए, कल शाम जब मैं गया था लेवल वहाँ पर थे, कल लेवल वहाँ पर था तो आज घोल डालना शुरू कर दिया है। ये बीच में डिजाइन है देख सकते हैं, तो इसके लिए मैं लगा तो मैं मिठाई ले आऊँ। ये समोसे कुछ मिठाई ले आऊँ, वाइट सीमेंट हो गया इसमें, ये रोल हो गए। मसाला बता तो कैसे जा रहा, हड़का जा रहा, बढ़िया जा रहा, तो चिल्ला बना लेगा। दो चिल्ले बनाए तुमने आज ही, बुखार कैसा है हैं, तबीयत कैसी है? ठीक है, ठीक है। दो दो मिस्त्री लग चुके हैं आज देखे, पापा की छुट्टियाँ संडे है ना, तो सोने दीदी भाई हुई है, ये अपनी दवाई लेने के लिए जा रही है, तो उनसे अभी नहीं मिला क्योंकि डायरेक्ट में ही है घर ही, 10 बज चुके हैं। गाय के नाम काट दियो और फिर मिस्त्री जी बोले तो देता होगा नाम सभी। दो पीस काट लो, अंदर रख दो अंदर। ना ये पीस तो आप के लिए भी आ रही है। तो मिठाई यहाँ पे रख दिया नहीं, मम्मा जी ने वहाँ पे रख दी तुमने, इधर पापा जी ने रख दिया। मिस्टर जी उधर पहले ना को होना चाहिए, आप भी ले लो, कभी नहीं छोड़ दिया, छोटा मैं दे दो, छोटा दे दो मेरे को, आप भी खा लीजिए मिठाई। लो मिस्टर जी, अम्मा जी लो रोल। इनका कांच का ध्यान रखिए नीचे, ठीक है। बर्फी हो गई, समोसा भी हो गया, आप भी खा लीजिए, समोसा भी ला आज मैं। ये देखिए जी कितना फर्क टल चुका है हमारा, आधा काम हो गया। एक साइड जो है हमारी कंप्लीट होने वाली है, ये आधी साइड रह जाएगी। आज भी था किसी का नागत, ले आओ।
ये देखे जी, ये साइड वाली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी, देखो कैसे चल रहा काम। कल डल जाएगा तुम्हें, मिस्त्री मेहनत कर रहा है, मिस्त्री बढ़िया मिला मिस्त्री बढ़िया मिले लोकल। एक दो महीने पहले काम फिनिश हो जाता हमारा, मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं गए, काम फास्ट चल रहा है, पहले तो मिल जाते मिस्त्री बहुत बड़े रहता है। अरे वे बार बार नहीं गया जाते मिस्त्री है, वे कहते बार बार मिस्त्री बदल लो मिस्त्री बदल लो, कान तो नहीं। चलो कोई नहीं, हाय जी यार, हाय हाय यार, एक कलर है, एक कलर ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये काला कलर और सीमेंट मिला दिया है इसमें, सीमेंट भी मिक्स कर रहे हैं इस कलर को। अंकित है, गगन है और मिस्त्री जी मिलकर तीनों कर रहे हैं काम को। लो जी सोने दी वाली, इंतजार करते करते देख लो फर्क डलवा दिया, याद कर दे मम्मी का। हाँ ठीक हो रहा काम, डिजाइनदार बनाऊंगा, पत्थर पुत्थर बाद में लगता रहेगा, टैल पैल जो लगी बाद में इधर। तो भाई मेहनत को लगा रखे आज, आज तो अट्टा बना रहे बनाना सीख देंगे। राम राम जी, ठीक है जी, हाँ तो इस साइड एक गिरेगी स्लेब, ये ऊपर ही मना होगी, इधर दोनों साइड स्लेब गिरेगी जिसके मार्कर लग रहे हैं ना यहाँ पे, ये डल जाएगा। अब ऐसे कमरे कल तक फिट हो जाएंगे दोनों, दोपहर के बाद निकलना शुरू कर देंगे। एक बार अंकु झाड़ू सी मार के भाई और दस्त असले डस्ट पे गिर ले, आठ गिर ले, अरे एक उसका भेज दिए कंप्लीट हो जाएगा माल, इस पर कलर वाला कलर मिला दिया सीमेंट में, देखिए काला काला सो गए। फरस के लिए बारीक डस्ट छानने हैं, देखिए डस्ट को भी और बारीक तरह से छानने हैं, मोटा डस्ट वहाँ गिर है और बारीक नीचे निकल जाएगा। और कलर छानने के लिए ये बना दिया पसले पर, उन्नी बांध दिया है, छन्नी बना दी इसकी, रास्ता बन गया इसमें।
जा वाली है जान जट्टी वाली चुननी होती ना स्मूथ वाह का भाई था ये नहीं जाने का यार वाली काम नहीं है छन्नी मंगा लिया के दही छानने के लिए ये तो शेरिया लगे थे लंबे जो ऊपर चढ़ाए दस छाने थे और ये पकड़ने वाला हत्था टूट गया जाली का इधर से ये वाला हत्था टूट चुका है जाली का चार हत्ते हैं ना से पकड़ने वाले ये टूट गया उसे ठोकने की कोशिश कर रहे भैया डस्ट और सीमेंट कचहरे मिला दिया है और अब फ्रेश में डालना है ये गुलाब जामुन के नाम भी है बस यही चलेगा घर बना रखे ये देखिए जी अंदर का चल पड़ा है डस्ट मार रहे हैं ले जाऊं इसके ऊपर मार लेने जाओ है जी वो श्रीमद भागवत कथा शुरू होने वाली है श्री हनुमान चालीसा चल रही फिलहाल भी एक सूखा माल डाल दिया इसमें अभी सूखा डाल रहा है ना उसके बाद अम्मा जी पानी मार रहे इसमें पानी मारने के बाद इसमें जो है ये डलेगा जो है कलर उसके बाद कलर डलेगा इसमें पट्टी लगा रहे हैं लेवल लेवल लेके पानी वाला पानी मार दिया पानी मारने के बाद नहीं मिला ये लगे हुए हैं खाना खाने के बाद भी फिर से लग गए और अब जो नीचे आराम कर रहे हैं ये देखें ये मसाला बच गया बाहर निकाल दिया एक्स्ट्रा मसाला है और उसके बाद जो है ये लगेगा जो कलर है और मुझे ना दो बजे जाना है भैया मुझे मुजफ्फरनगर से ट्रेन है मेरी 6 बजे तो वहाँ चलता हूँ जुर्मों में ये देखिए जी अभी कुछ दिन पहले मैं शर्ट लाया था एक बार बैठी मैंने गणेश चतुर्थी पे और एक शर्ट और लाया था जो मेरे बैग में है वह मैं साकुम्बर देवी पहन गया था तो दोनों ये पहन जा रहा है यह इधर जाते पर वो उधर जाते पर कैसी लग रही है। हेलो दोस्तों देखिए जी मैं रेडी हो चुका हूँ और 3 बज चुके हैं तो मैं सोच रहा हूँ 22 जाऊँ मुजफ्फरनगर तक लेकिन बस से जाऊँगा पिताजी मना कर रहे हैं क्योंकि इसका बैरिंग भी फूट गया अगले वाला कहीं दिक्कत ना कर दे और जैसे बैरिंग को गिरवाने में टाइम लग जाएगा 8 घंटा बैरिंग गिरवाने में लग जाएगा और 1.5 घंटा जाने में फिर बोझा खड़ी करूँगा वही 2-3 घंटे नहीं निकल जाएंगे मेरे तो अंकित या गगन जाके इसका बैरिंग ठीक करवा लेगा और मैं चलूँगा देखिए जी कर रहा हूँ अब मम्मा जी जैसे इसको प्लान बना रहे हैं और करंगी मार रहे हैं क्या मार रही हो क्या लगा रहे गुटका गुटका लगा इसको और प्लान बना रहे हैं और पंखा चला दिया है कुछ गर्मी हो रही और कुछ पंखे में जल्दी सूख जाएगा ये थोड़ी थोड़ी हवा लगती रहेगी तो पंखा चला देते हो उनके भैया चलाओ चल दिया हो जी मैं भी और माँ दीदी और दीदी जा रहे हैं घर गंदी पहले राम का समझ आऊँगे भागवत तो हमें और भी घर जा रहे हैं और मैं भी चलता हूँ 3:30 बजे लिए 2 घंटे आए भी मेरे पास तो पहुँच जाऊँगा 1 घंटे में मैं। हेलो दोस्तों देखिए डिपो पहुँच चुका हूँ यहाँ से रोडवेज बस पकड़ लिया है मुझे फन करके 1 घंटे का रास्ता है हमारे यहाँ से और वहाँ से ट्रेन है मेरी 6 बजे की तो वहाँ से चलूँगा बस रेलवे स्टेशन पहुँच चुका हूँ जी देखिए ये हमारा मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन है जो मेन रास्ता है वो तो पर है
लेकिन इधर चलता हूँ मैं। ये अभी बना है नया, अभी 4-5 साल थे, इसका निर्माण कर चल रहा दोबारा। हेलो दोस्तों, आज जो है 20 सितंबर है और कल 19 सितंबर थी, तो कल मैं यंग जी का जन्मदिन था, उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल मेरा वो लोग जो है लेट हो गया था और कल मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था जिस कारण मेरा वो लोग नहीं आ पाया था।